हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि इस वीडियो में एनिमेशन थोड़ा अलग सा है और इस वीडियो की आवाज़ भी द हॉरर एनिमेशन ने दी है। तो बिना किसी रुकावट के वीडियो स्टार्ट करते हैं द हॉरर एनिमेशन की आवाज़ में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लॉय है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही मेरी जॉब मुंबई में लगी थी और मैं बहुत ही खुश था। और कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पर एक फ्लैट रेंट पे ले लिया है जो मुझे बेहद ही पसंद आया है। दो दिन के बाद रात के ठीक 12 बजे मेरे फ्लैट की डोरबेल बजी। मैंने सोचा इस वक्त कौन हो सकता है, यहाँ तो अभी मुझे ठीक से कोई पहचानता भी नहीं। मैंने जाके डोर ओपन किया तो सामने एक लेडी थी। मैंने कहा, जी आप कौन और इस वक्त? मैं आपसे ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ और क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उस लेडी ने जवाब दिया। मैंने कहा, जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उस लेडी ने कहा, जो आपके सामने वाला फ्लैट है वहाँ से हर रोज मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है, इस वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाती। प्लीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हो प्लीज़? मैंने कहा, देखिए मिस, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ मैं अभी तक किसी को जानता तक नहीं, मैं ऐसे किसी के घर में जाके नहीं पूछ सकता, और वैसे भी इतने दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे किसी के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, आप खुद जाके क्यों नहीं चेक करते? एक्चुअली मिसिस रोनी के साथ मेरी आपस में बनती नहीं है, उस लेडी ने परेशान होकर जवाब दिया। मेरा मन तो नहीं था किसी के घर में जाके इंटरफेयर करने का, फिर भी मैंने उस लेडी से कहा, ठीक है आप जाइए, मैं कल मॉर्निंग में उनसे बात करूंगा। तो वो लेडी बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर वो लेडी चली गई। दो दिन हो गए और मैं इस बात को भूल चुका था। फिर अचानक रात के उसी वक्त मेरे फ्लैट की डोरबेल बजी। मैंने जाके डोर ओपन किया और देखा तो वो लेडी थी जो उस रात हेल्प के लिए आई थी। वो बहुत ही परेशान दिख रही थी। उसने मुझसे कहा, आप प्लीज़ मेरी मदद करें, वो बच्चे की आवाज़ मुझे रात भर सोने नहीं देती, आप प्लीज़ जाके देखे प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मैंने कहा, सॉरी मिस, मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मैं आपकी बात भूल ही गया था, मैं कल ही उनके घर जाकर बात करूँगा। मेरा इतना कहते ही वो लेडी वहाँ से चली गई। मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि मुझे किसी के भी रोने की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। सुबह होते ही मैं रेडी होके जॉब के लिए निकल ही रहा था कि मैंने देखा कि मिस्टर रोनी के घर के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था जो बहुत ही बीमार और परेशान लग रहा था। मैं उसके पास जाके उससे बात करने की कोशिश करने लगा। हाय, मेरा नाम लॉय है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैंने फिर से कोशिश की, तुम मुझसे बात कर सकते हो, इनफैक्ट हम फ्रेंड भी बन सकते हैं, मैं यहाँ सामने ही रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? कोई जवाब नहीं मिला। मुझे अजीब लगा, मैं उसके और करीब गया। देखो अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये सुन के उसके चेहरे पर उम्मीद नजर आई और उसने कहा, मेरा नाम जॉन है और मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो हमेशा मुझे डांटती रहती है, उन्होंने मुझसे कभी भी प्यार से बात तक नहीं की, कभी कभी तो वो मुझे हाथ भी उठाती है। और इतना कहते के साथ ही वो बच्चा रोने लग गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई माँ अपने इतने छोटे से बच्चे के साथ इतना बैड
बिहेव कर सकती है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे डैड को ये सब पता है? तो उसने कहा, नहीं, ज़्यादातर डैड बाहर ही रहते हैं और माँ ने मुझसे कुछ भी बताने को मना किया है। फिर मैंने पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो उसने कहा, अभी कुछ महीनों से मैं बीमार रहता हूँ ना, इसलिए नहीं जा पाता। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। बच्चे की हालत भी काफ़ी ख़राब दिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। इतने में मिसिस रोनी बाहर आई और जॉन को मुझसे बात करते हुए देखकर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उन्होंने मुझे हाय तक कहना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा, कुछ तो बात है जो मिसिस रोनी सबसे छुपा रही है। फिर मैंने तुरंत ही टाइम वेस्ट ना करते हुए पुलिस को कॉल किया और सारी हकीकत बता दी। पुलिस फौरन ही यहाँ पहुँच गई और मिस्टर रोनी के फ्लैट की और बच्चे की इंक्वायरी की। बच्चे की हालत देखकर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जॉन को खाने में हर रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया जा रहा था। मिसिस रोनी को जेल हो गई और मिस्टर रोनी भी फौरन आ चुके थे। उनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके बेटे को रोज जहर दिया जा रहा था। एक रात मुझे कॉल आया और वो मिस्टर रोनी का कॉल था। वो मुझे थैंक्स कहने के लिए मिलना चाहते थे और संडे को अपने फ्लैट पर डिनर के लिए इनवाइट भी किया था। संडे को मैं उनके फ्लैट पर पहुंचा और उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। हमने साथ में डिनर किया और काफ़ी सारी बातें की। फिर जब मैं वहां से निकल रहा था तो डोर के पास वॉल पे एक तस्वीर थी। मेरी नज़र उस तस्वीर पे पड़ी। मैंने मिस्टर रोनी से पूछा, ये कौन है? तो मिस्टर रोनी ने बताया, ये मेरी एक्स वाइफ मारिया है, जो एक साल पहले ट्यूमर की वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। आई वॉज शॉक्ड। ये वही लेडी थी जो मेरे पास मदद के लिए आई थी। अब मैं पूरी बात समझ चुका था। जॉन मारिया और मिस्टर रोनी का बेटा है और मारिया की आत्मा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मेरे पास आई थी। अजीब है ना दोस्तों, मरने के बाद भी माँ अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ तो ऐसी ही होती है दोस्तों। प्लीज़ गाइस, रिस्पेक्ट योर मदर। आज उस हादसे को एक साल हो गया है, लेकिन आज भी मुझे मारिया की आत्मा का वो मायूस और परेशान चेहरा मेरी आंखों के सामने ही दिखाई देता है।